एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा अष्टमी की पूजा और कन्याओं के कंजकाओं के लिए सामान लेने के लिए। तो आज यहाँ पे सप्तमी है और त्याग जी का फास्ट है। एज आई सेड लास्ट टाइम कि मैं तो फास्ट नहीं रख रही हूँ, बस अभी हम निकल रहे हैं। अभी जाते जाते डिसाइड करेंगे कि हमने बच्चों के लिए क्या लेना है। मेरी 9 देवियाँ हो चुकी है, लेकिन जिसमें से 4 इंडिया में है और 5 यहाँ पे इंक्लूडिंग वेदा 9 हुई है। तो बस जो मेरी यहाँ की 4 देवियाँ हैं उनके लिए सामान लूँगी और अपनी छोटी देवी के लिए भी थोड़ा सा सामान लूँगी। आप देखा मुझे गाड़ी चलानी आती है, तुम्हें कहा था पहले भी कुछ तो नहीं आता झूठी। आज हम मतलब मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे, ये नया मॉल है, मैं पहली बार आई हूँ। हमारे अर्न मिल्स टाउन सेंटर। तो आज यहाँ एक्सप्लोर करते हैं हम, और वेदा के लिए भी नई जगह है, मम्मी के लिए भी नई जगह है। तो अंदर जाके देखते क्या है क्या नहीं है, और मे भी हो सकता है इस ब्लॉग के एंड तक मैं आपका जवाब भी दे दूँ कि मैं वेदा को कब दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप हर वीडियो में पूछते हैं और मुझे हर वीडियो में बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने भी पढ़ रही हूँ, पर आज हम इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल के रहेंगे जब तक एंड होगा हमारे ब्लॉग का, तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि आपको आपकी प्यारी वेदा कब दिखने वाली है ना। फिर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी आ रही है। देखा से इतर वगैरह है, ये समथिंग रिलेटेड टू अरब है। सोरे अंदर उधर साइड को देख, पिका चुके वो भी है और अंदर स्टफ टॉयज भी है, पिका चुके रहा है। बिल्कुल वही तेरे जैसा लग रहा है। आज मैं बैटमैन नहीं लग रही हूँ, ऐसे नहीं बैटमैन। हाँ फुल बैटमैन है आज। मैंने पहली बार किसी मॉल में इतने सारे सुविनेर की दुकानें देखी है एक साथ। यहाँ पे एक और पूरा स्टोर है सुविनेर वगैरह के लिए, उसमें वो है क्या कहते हैं ड्रीम कैचर वगैरह और भी छोटी छोटी चीज़ें। नाइस, वेरी नाइस। मैं आई हूँ यहाँ रियल फ्रूट पे, क्योंकि मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस पीने का, तो चल के मैं अपने लिए ऑरेंज जूस का ऑर्डर करती हूँ। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ जूस जूस चाहिए। तो चेक आउट पे। ए ए मैडम, शॉपिंग कब खत्म होने वाली है? बस 2 और बच्चे, 4 घंटे हो गए हैं, 2 और बच्चे गए। भूख लग रही है, व्रत है मेरा आज। बस इसके बाद चले गए हम, और कुछ भी नहीं है, मेरे सिर्फ 2 बच्चे। इतने बैग बच्चों के भर लिए हैं, इसमें मेरे हिसाब से 10 कपड़े ले लिए होंगे इनमें। अभी भी बच्चों की शॉपिंग नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। 2 और रहे हैं, चलो। बड़े बच्चों के ले रही, लेने तो किसी और के बच्चों के आई थी, ले लिया अपने बच्चे के। कुछ नहीं क्यूट है, जो तूने लेना है रोनी बोले 10 साल से ऊपर के, 10 साल से नीचे वाले सेक्शन में आओ नहीं बस। अब कितने क्यूट लगे गर्मियों में, नहीं लग रहे, बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे मुझे, इतने गंदे लग रहे हैं एकदम, बहुत बेकार। पर ये आएगा किसके? वेदा के। भाई साइज देख इसका, ये है 6 से 12 महीने के लिए। झूठ है ये बिल्कुल, ना इसमें लिखा है देख 6 से 12 महीने। नहीं लेना हमने, नहीं लेना। कितना क्यूट है ये, कोई बात नहीं। आई लाइक इट। नहीं सर्दी आ गई है, अब गर्मियां आ रही है, सर्दियां कहां आ गई, सर्दियां खत्म हो रही है। सोचते कितनी क्यूट लगेगी, किसी पर हैट बनाऊंगे इसको और नीचे से जूते। बहानेबाज है यार, ले ले फिर अब चलो। मैं और 10 मिनट और खड़ना है शॉपिंग के लिए, अगर तुमसे होती हो तो ठीक है, नहीं तो घर चल रहा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम आ जाना। वेदा को मैं लेके चला जाऊंगा, क्योंकि कार सीट तो मेरे पास ही है ना। वेदा विल कम विद मदर ना। हाँ तो फिर मदर को बोलो कि चले। ठीक है चलो। गुड मॉर्निंग और सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 2 मिनट में आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे घर से कॉल आ रहा है, पहले उन लोगों को भी विश कर देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करते आगे। आप सभी को भी प्रसाद और आपके लिए भी प्रसाद। ठीक है जी, थैंक्स। लीजिए और अपने व्रत का उद्यापन करिए। अपने हाथ से लेना होता है, कोई बात नहीं, हाथ से कौन लेता है पंडित की सीधा हाथ से मुंह में। अच्छा वेरी गुड, अब हाथ धोने पड़ेंगे। बट चलो अभी तो फिलहाल यहाँ पूरियाँ बन रही है और वहाँ आलू भी बन रहे हैं, अभी हम खाएंगे और ये प्रसाद हम साइड में रख के फिर अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी जाएंगे थोड़ी देर में। मैं आपको कल दिखाना भूल गई कि मैं वेदा के क्या लेके आई थी, वो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी वापस आके, पर जो बाकी बच्चों के लिए लिया है वो तो क्या ही दिखाना है।
या अगर वहाँ जाके देखेंगे, आई डोंट नो व्हाट एवर. तो अभी फिलहाल के लिए हम खा लेते हैं और निकलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है हम लोगों को भी. वैसे तो आज बच्चे स्कूल गए हुए तो मुझे इतना रश भी नहीं है क्योंकि बच्चे आएंगे 3:30 बजे, तो उसी के बाद जाके फ़ायदा, क्योंकि जब आप उनको हाथ में देते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो वही देखने के लिए मैं भी अभी बस बाहर निकलने वाली हूँ. तो हम यहाँ से वाइंड अप करके फिर मिलते हैं. वाह, गोल 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 तो ठीक है. मुझे एक बात बताओ, हम क्या भूल रहे हैं? क्या बताओ, हमने हलवा पूरी चने आलू सब बना दिए, वो दिखाए तुमने यहाँ पे? हाँ, वो भी दिखा दिए. तो लेकिन हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हैं. क्या है वो सोचो? पता नहीं भाई, वेदा को तो नहलाया नहीं अभी तक. हाँ. खुद तो हम नहा धो के रेडी हो गए, पर मेन वो तो रहेगी हमारी देवी. पर वो सो रही है अभी तक. आई नो सो रही है, लेकिन उसको भी तो नहलाना पड़ेगा जाने से पहले. मिला देते हैं. दिमाग से एकदम ही निकल गया, मुझे था कि चलो अब सारे काम हो गए, इत्मीनान से खा लेता. मुझे ये समझ नहीं रहा पहले उसको नहलाए या खुद खाए. नहीं, जब वो कोई चक्कर नहीं है, जब वो उठेगी जब ही नहला पाएंगे उसको तो. हाँ, वैसे उसको सोने भी देते हैं अभी तक. हम अपना खाके जब भी उठेगी वो तो शाम को भी नहा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, आज वैसे आज नहाना चाहिए. हाँ, उठ के पर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये नहीं दिखाना, मैं खुद बना रही हूँ पूरियाँ. मंदिर जाएंगे हम पहले? अभी लेट हो जाएंगे ना मंदिर जाने भी, या तो सुबह सुबह जाते. अच्छा, चलो ठीक है फिर. ताजी ताजी पूरियाँ रेडी, खाना खा लेते. मैं मतलब इतनी खुशी से तैयार हुई थी, सब हुआ था और अब बस वेदा को तैयार करने के लिए आई थी. तो मेरे ना जो ये फैब्रिक है, इसमें जो दिख रहा है ना आपको चमचम, उससे इसके फोरहेड पे लग गई. तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद अपना सॉरी बोला मम्मा ने आपको. वैसे तो मेरे को इतना बुरा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे अपना ये OTD चेंज करना होगा. और यहाँ पे मैंने इसके लिए रखे हुए इनमें से कौन सा इसको आउटफिट पहनाऊंगी मैं. फिलहाल लगता है अपना आउटफिट चेंज करना पड़ेगा, इसमें नहीं जा पाऊंगी. बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अगर अभी नहीं तो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब पहन सकती. वैसे मेरे पास दो सूट थे, वो ब्लू वाला सूट भी पिछली बार किसी कारणवश फट गया मेरे से, और ये वाला इसके चुभ रहा है यहाँ से भी, और इसके मतलब यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पाले में भी नीचे. तो मतलब कुछ भी करती हूँ तो इसके कहीं ना कहीं लगी रहा है, तो फिर उससे इसको भी इरिटेशन हो रही है. तो अब इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है. और फिलहाल इसको भी रेडी कर लेते क्योंकि अब हम निकलने के लिए बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि आगे भी हमने काफ़ी लोगों के पास जाना है. अरे प्रभु, कितनी खुशी मिलती है सारी सफाई करके. सारे बर्तन हो गए, सब हो गया. हेलो कोको, यहाँ सबका सामान पैक हो गया जाने वाला. इसमें जो देना है मैंने, इसमें जो खाना हलवा पूरी वगैरह है. त्यागी जी गए गाड़ी निकालने के लिए, वेदा भी अपनी कार सीट में है, और मैंने भी वापस फिर से चेंज कर दिया है बाहर जाने के लिए. आई होप मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगे आज, वैसे गर्मी तो है, बट शाम को टेम्परेचर ड्रॉप होना है. मुझे ये नहीं पता कि हम कब तक वापस आएंगे, तो मैं दोनों हिसाब से तैयार होकर जा रही हूँ अभी, क्योंकि बार बार कपड़े चेंज करना मेरे में भी इतनी क्षमता नहीं है. तो पहला स्टॉप होगा हमारा नन्नू के पास, तो फिलहाल अभी वहाँ के लिए निकलते हैं. वेदा तो अंदर रख दी है. ओ क्या बात है, इतने बैग. अच्छा, चार मेरी इंडिया में है और बाकी 5 यहाँ है. चलो रखो. और बस सब चलो, और हमने एक और जगह भी जाना है जैसे. अच्छा, जो कल नहीं जा पाए थे आज हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे. अच्छा, फिर इसलिए फटाफट करो, पहले ये देख लो तुम एड्रेस कितना दूर है, फिर उस हिसाब से मैं आगे पीछे बैठूंगी. हमें लगेंगे 20 मिनट. पीछे बैठो, फिर पीछे बैठ दो, आगे बैठ दो. तो सो रही हूँ, फिर या तो उसके भी मुंह पे उड़ा दो ताकि उसको धूप ना लगे ना. हाँ, फिर मैं आगे बैठ जाती हूँ, किसी सोना ही है सुबह से. ठीक. अभी जब तुमने कही ना क्या बात है काले चल रही, मेरे दिमाग में एकदम से बताऊँ क्या आया. कि एक वो भी टाइम था जब मैं जाया करती थी कंजक बन के अपना छोटा सा पर्स लेके, पता भी होता था कि 10-20 रुपए तो मिलने ही हर जगह जाके, और चने और हलवा मिलना हर राउंड में. तो अपना पेट भी उसी हिसाब से, और थोड़ा थोड़ा हर जगह खा के, नहीं जी बस नेक्स्ट जगह जाना है. पैक करा के भी लेके आती है. हाँ, तो बैग होता ही था, एक प्लास्टिक की थैली हाथ में और एक छोटा सा पर्स हाथ में. पर्स में कैश जाएगा और बड़े वाले में खाना जाएगा, क्योंकि मोस्टली सब डिस्पोजेबल में ही देते थे खाना. भाई वो भी कोई दिन थे, और आज मैं देने जा रही हूँ खंजक सबको. बहुत बड़ी हो गई, बड़ी नहीं होगी, बहुत बड़ी अपनी मम्मी भी होगी ना. तो मतलब इतनी बड़ी अचानक से कैसे पता नहीं लगा, मतलब वो कब स्पीड पे ऐसे लगा पाऊँ, ब्रेक ही नहीं दबाई. नहीं तो भाई चलो, पर तुम दबाते भी चलना. फूल भी आ गए इतने सुंदर सुंदर, येलो. और तो गर्मी आ गई है वैसे. कितने सुंदर लग रहे हैं.
सुबह से शाम कब हुई हमें तो बिल्कुल ही पता नहीं चला। अभी भी हम बस लास्ट स्टॉप पे आए अपना सामान छोड़ने के लिए और इसके बाद अब हम घर जाने वाले हैं। वहाँ पे भी हमें अभी कोई मिलने के लिए आने वाला है। 7:30 हमें घर पहुँचते हो जाएगा, उसके बाद भी हमने कहीं और जाना है। मतलब आज का तो दिन इतना ओवर ऑक्यूपाइड हो गया जिसकी मुझे खुद ही उम्मीद नहीं थी। इतना ज़्यादा हम मतलब सुबह से लगे हुए, 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर, और एक जगह हमें सबसे ज़्यादा टाइम लग गया, बट इट्स ओके। बातों बातों में हमें यही नहीं पता चला कि कब 2-3 घंटे निकल गए। बट अब बस घर जाने की तैयारी है। वेदा अपना आराम कर रही है और मैंने कल कहा था ना कि आज आप लोगों को भी बता दूंगी कि हमने क्या डिसाइड किया वेदा के फेस रिवील के बारे में। तो बस अभी घर जाके त्यागी जी के साथ बैठ के बातें करते हैं, अगर वो अवेलेबल हुए, अगर हो गए, अगर उन्हें कहीं जाना होगा तो फिर मैं ही बता दूंगी आपको। लो जी, वेदा की पहली कंजक भी आ गई, थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्या है इसमें। ये है हमारी वेदा की पहली कंजक, इतनी क्यूट, सो क्यूट। और ये इन्होंने फ्रॉक दी है इसके साथ जो कि 2 साल की, और ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया है इसके लिए। वो आंटी हमें मिलते रहते हैं यहाँ पे, पास में ही रहते हैं हमारे घर के, तो वो हमें पिछले महीने बोल के गए थे कि कंजक आएगी तो उसके लिए मैं इसके लिए दे सकती कुछ। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो कितना क्यूट सा दिया इन्होंने। और ये है जो इसकी मम्मा यानी कि मैंने अपनी चुनरी के लिए लिया है। इसमें भेड़ भी बनी है और मुर्गे भी बने हैं, गाय भी बनी गई। हाँ, ये रही गाय, और इसमें इसे हमें पिगी है, गाय है। और ये इसके साथ सॉक्स है, टोपी है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा विंटर, अभी समर्स के लिए, नॉट विंटर, समर के लिए। तो जिस दिन ऑफिशियल डे ऑफ समर होगा उस दिन इसको ये पहनाऊँगी मैं, और इसकी मौसी ने एक टोपी दी है वो पहनाऊँगी इसके साथ। और मैंने इसके लिए कुछ सिल्वर का भी लिया है क्योंकि इसकी पहली कंजक थी, तो अभी तक मैंने इसे कुछ भी ऐसा ऑफिशियली गिफ्ट नहीं किया था, तो मैंने इसके लिए क्यूट सी पहले लिए जो कि इसके लिए ऑब्वियसली अभी बड़ी है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा था ये ब्रेसलेट लगा लूँगी इसके पाँव में, पर ये भी बहुत बड़ा है तो अभी वेट करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, आएगा अभी थोड़ा और महीने। और आई नो मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को बताना है हमने इसके फेस रिवील के बारे में क्या सोचा है, बट उससे पहले मैं सोचा कि आपको ये बता दूँ आज का हमारा दिन कैसा रहा। हमें बहुत मज़ा आया, हम आज काफ़ी लोगों को मिले, काफ़ी सारे लोगों के साथ कंजक भी शेयर हुई है, एक्सचेंज भी हुई है। हमारी वेदा रानी को आपने देखा, ये गिफ्ट्स तो मिले ही, उसके अलावा इसे कैश और हलवा चने पूरी जो कि मेन सब्जेक्ट होता है, हलवा चने पूरी भी मिले हैं। और नन्नू की मम्मी ने तो खैर पंजीरी भी मेरे को एक्स्ट्रा दी है इसके साथ, सिर्फ वेदा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी कंजक हो गया आज फिर से। हमने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं जिसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि हम इसका फेस रिवील तब करें जब हम इंडिया आए। और जब हम डिनर पे बैठे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे आज कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो काफ़ी मन है कि मैं ऑफकोर्स वेदा का बचपन भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट क्योंकि त्यागी जी का भी यही मानना है और घर वाले भी यही कह रहे कि एक बार हमें तो दिखा दो इन पर्सन, हमसे भी मिलवा दो, और फिर जब तुम यहाँ आ ही रहे हो तो तब एक साथ दिखाना हमें भी और अपने यूट्यूब फैमिली को भी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सही भी रहेगा अब क्योंकि हम इंडिया जाने ही वाले, आप लोगों ने इतना इंतज़ार कर ही लिया है, तो थोड़ा और सही एक बार हम इंडिया पहुंच जाए। इंडिया पहुंच के हम इसे पूरी खुशी से आप लोगों को दिखाएंगे, और आप टेंशन ना लें, इसका बचपन आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगी जहां पे इसके बचपन से लेकर तब तक की सारी फोटो वीडियो जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं शेयर करूंगी। आई होप जैसे आप अभी तक मेरे हर एक डिसीजन को सपोर्ट करते हुए आए, इस वाले को भी करेंगे ही क्योंकि ये है तो आप ही लोगों का सजेशन, तो मैं आप ही के सजेशन को ले रही हूँ और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है हमारे इंडिया जाने में, ऑफकोर्स अभी हमें इसका पासपोर्ट का वेट करना है और उसके वीज़ा लगने का, बट इतना लंबा टाइम नहीं होगा, आपने वैसे भी लंबा टाइम काट दिया तो थोड़ा सा ही बचा है। तो फिर वेदा रानी को भी मिलने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, इंडिया जाने के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। इसी नोट पे करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलूंगे आप सभी लोगों को बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जाने से पहले वेदा को अपना आशीर्वाद जरूर देना क्योंकि आज हमारी बेटी हो चुकी है 3 महीने की पूरी। अब कल का मैंने डिसाइड तो नहीं किया है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे आप सभी लोगों को बहुत जल्द, टाटा, सी यू, बाय, टेक केयर।